टाइम आ गया है आपको अभी थोड़ा तंग करने का, अच्छा? तो उसके लिए मैं नानी को पहले बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि आपने शो पर काफी कुछ बोला है उनके बारे में। देखिए, ये शो जो है ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है दुनिया भर में, कोई ऐसा पारिवारिक प्रश्न मत पूछ लीजिएगा नहीं बिल्कुल, जिसका उत्तर हमको देने में तकलीफ हो। हम रोज केबीसी देखते हैं और आप थके हुए आते हैं काम करके, आप कहते हैं कि कोई मुझे ठीक से हेलो नहीं कह रहा है, सब ऐसे मुंह घुमा के बैठे हुए हैं, क्योंकि हम जो देखते हैं और आप हमारे बारे में और क्या क्या बोलते हैं, मामा के बारे में जो कहते हैं, नानी के बारे में आपने काफी कुछ बोला है, तो हम आपको एक छोटा सा रीकैप दिखा देंगे ताकि आपको पता चले हम किस चीज के बारे में बात करें। आपकी वाइफ के 5 मिस कॉल्स हो और आपने उसे 1 घंटे के बाद देखा तो क्या होने के चांसेस है? Earthquake. जब हमने फोन किया जी तो आपने क्यों नहीं उठाया और 1 घंटे के बाद आप हमसे बात कर रहे हैं। मैंने कहा चलो भैया हो गया अभी, तो बताओ क्यों फोन किया था? आज रात को खाना क्या खाएंगे आप? मैं कैसी लग रही हूँ? इसका जवाब देने में यदि 2 सेकंड लग जाए तो क्या होने की संभावना है? महिलाएं जब जाती है ना पार्लर में, क्या करवा के आई हैं वो हमको नजर नहीं आता, कहाँ पर भाव है निकाली है, कहाँ पर बालों को संवारा है, किस तरह का शैम्पू इस्तेमाल हुआ है, कहाँ ब्लो ड्राई हुआ है, ये सब कौन जाने? हमको नहीं मालूम इसके बारे में। जी सर। लेकिन वो चाहती है कि आप उसको नोटिस करें। तो जैसे ही वो आगे, अरे कितनी अच्छी लग रही है, डन समथिंग टू योर फेस। कितनी अच्छी लग रही है आप, कितना बढ़िया, एकदम आपका चेहरा मस्तूर और मुस्कुराता हुआ चेहरा, आज आप हमारे शो पे आई हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको बधाई देते हैं। मामा डोंट होल्ड बैक, झूठ बोलते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कौन सी ऐसी बात है जो हमने, आप नानी से ही पूछ लीजिए। दर्शकों मैं आपको बताऊं, इनके पास फोन ही, इनके पास कुछ 5-7 टेलीफोन, आप इनको फोन करिए कभी फोन उठाते नहीं, बिल्कुल नहीं, और उसके बाद कोई ऐसी बात हो जाए जो गंभीर हो फिर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हमको फोन नहीं किया, इतना सारा कांड हो गया घर में और तुम लोग हमको बताते नहीं, अरे बताए कैसे भाई, फोन उठाएंगे तब ना बताए। रूल्स जो है कि अगर आप उनसे बात करना चाहते हो तो आप पहले SMS भेजिए कि हम बात करना, कॉल अस, अगर शूटिंग चल रही है, शॉट चल रहा है, वो सिर्फ एक फोन पे नहीं, फोन पे पूरे 5-7 फोन पे आपको कहना पड़ेगा, ट्राइंग टू कॉल यू। नहीं नहीं, पर अगर शूटिंग कर रहे हैं तो साउंड नहीं आना चाहिए ना। नहीं, लेकिन आप बोलते हैं कि आप हम फोन इतना करते हैं आपको, लेकिन आपको याद है जब ग्रुप चैट पे जब नानी फ्लाइट ले रही थी आई थिंक दिल्ली से, तो उन्होंने मैसेज किया था ग्रुप पे कि आई हैव बोर्डेड द फ्लाइट, तो हम सब ने रिप्लाई किया कि जी बिल्कुल सेफ फ्लाइट लैंड हो गई, हमने बोला वेलकम होम, घर आ गई है वो, खाना खा रही है, आपका रिप्लाई 4 घंटे बाद आया है, ओके जया सेफ फ्लाइट, पहुंच भी गई है। नहीं, हम yes. हम जरूर ऐसी जगह में होंगे जहां पर समय लगा होगा उस मैसेज को पहुंचने में, आजकल अक्सर ऐसा होता है, उन 4 घंटों के अंदर वो ब्लॉग लिखेंगे, इंस्टाग्राम पोस्ट करेंगे, लेकिन वो
इंटरनेट अगर गड़बड़ हम क्या करें भाई? नहीं बट इंटरनेट इज सेम फॉर 4 घंटे बाद मैसेज मिला, इट्स द सेम फॉर व्हाट्सएप एंड इट्स द सेम फॉर इंस्टाग्राम। दूसरे सवाल का जवाब आप दीजिए कि आपने अभी बोला कि जब हम पार्लर से आते हैं और नानी को आप बोलते हैं कि आप इतनी अच्छी लग रही हैं, तो मतलब आप झूठ बोल रहे हैं हमें कि एक्चुअली हम झूठ बोल रहे हैं? एकदम सच बोल रहे हैं। हमें अभी कैसे पता? आपने कहा कि आपको पता नहीं चलता कि किसने क्या क्या करवाया है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं? तो जो भी करवाया वो अच्छे लग रहे हैं। एक तो इनको पता नहीं कि हम लोग क्या क्या कराते हैं। ये आईब्रो तो जिंदगी में मैं नहीं कराती हूँ, बात कर रहे हैं। मेरे बाल सारे सफेद हैं, मैं कराऊंगी क्या? मैं उनको थोड़ा सा सजा उजा कर कैसे? तो भी नहीं। और जहाँ रहे बात खाने की, डोंट स्टार्ट, लेस सेड द बेटर। यस, पूछ लिया उन्होंने कि वहाँ लंच खा रहे होते हैं, पापा ब्रेकफास्ट खाते हैं उस वक्त, डिनर उनका कुछ हम कुछ ऑर्डर करते, पापा फिर फोन करके कहते हैं कि नहीं आई थिंक आई विल हैव सूप टुडे एंड मे बी पिज्जा। नहीं नहीं, और जब कुछ पता नहीं होता है तब बोलते कुछ भी, मैंने कहा कुछ भी क्या है? या एग्जैक्ट, रोटी नॉर्मल फूड नहीं है। अच्छा तो बड़ा पाव? नहीं, आपको बड़ा पाव नहीं खा सकता हूँ, पेट में बहुत तकलीफ है। इतनी सारी चीजें बता दी वो मेरे मन की नहीं थी, लेकिन लेकिन एंड में यही हुआ ना कि पत्नी जी को बोल दिया कि जो तुम्हारे मन में आए खिला देना, है कि नहीं? अच्छा, वो जो लेकिन वो जो अपने मन का जो मामा करती हैं फिर आपको पसंद नहीं है? नहीं नहीं, हमको पसंद है, सब कुछ पसंद है। मजा भी हम ऐसा ना करें। ऑलराइट, अभी खेल की ओर ध्यान देना पड़ेगा, पारिवारिक हो गया बहुत। ऑलराइट।